सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है कि कभी ना कभी तो हम लोगों का मानदेय होगा, हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, हम लोगों को भी अन्य कर्मचारियों की तरह सरकार वेतन देगी। बस इसी उम्मीद को लेकर के तमाम आशा कार्यकर्ताएं जो है अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देती है, वो मजबूरन जो है सिर्फ इसी उम्मीद को लेकर के कि कभी तो होगा। और इसी चक्कर में, सिर्फ उम्मीद और मजबूरन के चक्कर में, बहुत सारी ऐसी आशा कार्यकर्ताएं हैं जो उम्मीद करते करते उनका उम्मीद ना उम्मीद में बदल जाता है, उनकी आशा निराशा में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन सरकार फिर भी इस पर कोई ध्यान नहीं देती। सरकार को अन्य विभागों पर, अन्य कर्मचारियों के ऊपर बात करने के लिए समय तो मिलता है, लेकिन उनको आशा कार्यकर्ताओं के विषय में बात करने के लिए इनको क्या दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, इन पर बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। और ना ही जो है, देखिए ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की लापरवाही है। क्योंकि कुछ दिन पहले बिहार में हड़ताल हुआ, आप जानते हैं और आपने हड़ताल में शामिल भी थे, हड़ताल में जो है शामिल थे, आपको पता होगा 32 दिनों का हड़ताल चला। शशि यादव नेतृत्व कर रही थी, उन्होंने जाकर वार्ता की तो तेजस्वी यादव ने ये सहमति जताई कि 2500 रुपया हम देंगे, उन्होंने घोषणा भी किया लाइव कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। लेकिन आज 3 महीना से ज्यादा हो गया है, वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक घोषणा बनकर, यानी एक आश्वासन बनकर रह गया है, वो आज तक जो है पूरा नहीं हुआ। बस ऐसा लग रहा है कि जो तेजस्वी यादव के द्वारा जो घोषणा किया गया है वो भी अब झूठ होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी अब लग रहा है कि धोखा हो गया है। तो बस इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही कहना था कि एक ही जो है कारण है, और वो मेन कारण है उम्मीद। तमाम आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है उम्मीद है कि कभी तो होगा हम लोगों का मानदेय, क्योंकि अगर आज वो अपना नौकरी छोड़ देती है और कल जाकर के फिर आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय हो जाता है, तो उसके बाद फिर जो है उनके मन में कितना पछतावा होगा, कितना पछताना होगा उनको कि हमने इतने सालों से नौकरी किया लेकिन जब मानदेय हुआ तो मानदेय से पहले ही हमने जो है इस्तीफा दे दिया, नौकरी छोड़ दी, काश हम भी होते। यानी अगर छोड़ देती है तो पछतावा मिल सकता है, लेकिन करती रहती है तो मजबूरन लगातार काम के बोझ उन पर लदे रहते हैं, लगातार नए नए काम उन पर सौंपे जाते हैं। और आज जैसे कि पोलियो का कार्यक्रम चल रहा है, आशा कार्यकर्ताओं का जो दैनिक भत्ता है सिर्फ और सिर्फ 75 रुपया है। जो भी हमारे साथ जुड़े हुए आप ही बताइए कि पोलियो के लिए आपके क्षेत्र में आपको कितना दिया जाता है, हम जानना चाहते हैं कि हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों में कुछ बदलाव हो, वहां पर ज्यादा दिया जाता हो, लेकिन हम लोगों के क्षेत्र में जो है आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ पोलियो पिलाने के लिए एक दिन का 75 रुपीज यानी कि 75 रुपया दिया जाता है। 75 रुपया, ऐसा कौन सा मजदूर होगा जिसकी मजदूरी 75 रुपया होगा? एक मजदूर यानी खेतीहर मजदूर अगर खेत में काम करने के लिए जाता है, या फिर कोई भी मजदूर कहीं पर भी काम करने के लिए जाता है, तो अपने परिश्रम के बदले में कम से कम 500 रुपया जो है वो मजदूरी लेता है। है छोरिये मजदूर बहुत हार्ड मेहनत करते हैं तो उनको 500 रुपया मिल जाता है, ठीक है, तो 500 रुपया उनको मिलता है। और आशा कार्यकर्ताओं को पूरा दिन इतनी ठंडी में, खासकर अभी काफी ठंडी चल रही है, इस ठंडी में भी जो है आशा कार्यकर्ताएं सुबह से शाम तक लगभग पोलियो का कार्यक्रम करती है, घर घर जाकर 0 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो पिलाती है, ताकि हमारा देश भारत, हमारे भारत देश के हर नागरिक स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, पोलियो जैसी बीमारी का फैलाव ना हो, पोलियो मुक्त हो, यानी पोलियो मुक्त कार्यक्रम हो, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम हो, टीबी का कार्यक्रम हो, गैर संचारी रोग का कार्यक्रम हो, तमाम कार्यक्रम सफल करने का काम तो आशा कार्यकर्ता ही करती है।
सरकार वहां पर बैठकर सिर्फ और सिर्फ योजना लागू करती है, योजना शुरू करती है, लेकिन उस योजना को घर घर जाकर संचालित करने का काम यही जो है सोशल एक्टिविस्ट, एक्रेडिट सोशल एक्टिविस्ट यानी कि आशा कार्यकर्ता ही करती है। और इन्हीं की वजह से स्वास्थ्य विभाग में जो है गर्भवती महिलाएं जाकर प्रसव करवाती है। अगर ये नहीं होती तो ज्यादातर जो है प्रसव जो है वो संस्थागत नहीं होते, वो घर पर ही हो जाते, और इससे शिशु जो है के मृत्यु दर में काफी ज्यादा जो है उनके उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलती। तो शिशु मृत्यु दर को कम किया, गर्भवती महिलाओं के मृत्यु दर को कम किया, यानी कई तरह के जो है डिजीज से बचाने का काम, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करना। खासकर एक महामारी चल रही थी उस समय जब पूरा देश हाहाकार कर रहा था, बड़े बड़े नेता घर से बाहर निकलना नहीं चाहते थे, उस समय इन कर्मियों ने, इन कर्मचारियों ने घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया, उन्हें प्रेरित किया कोविड वैक्सीन लेने के लिए, उन्हें कोविड के लक्षण के बारे में बताया कोविड से कैसे बचना है। लेकिन आज वही कार्यकर्ता जो है, वही कर्मचारी अपने उनको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो इससे दुखद वाली बात और क्या हो सकती है। सबसे गौरतलब वाली बात यह है कि यहाँ पर राज्य सरकार, तो राज्य सरकार यहाँ पर राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जो है भेदभाव की नीति अपना रही है, एक तरफा नीति अपना रही है। अन्य कर्मचारियों की तरफ उनका ध्यान तो जाता है, लेकिन इन कर्मचारियों की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता जो स्वास्थ्य विभाग की जड़ मानी जाती है, जो स्वास्थ्य विभाग के लिए रीढ़ की, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ मानी जाती है। इनके लिए इनके पास समय नहीं है, इनके बारे में सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है। बस इस वीडियो में हम सिर्फ यही जो है बताने के लिए आए थे कि एक ही कारण है और वह है उम्मीद, यानी कि तमाम आशा कार्यकर्ताओं को सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद है कि कभी तो होगा, आने वाले समय में कभी तो हम लोगों का मानदेय बढ़ेगा। बस इसी उम्मीद में वो आज भी अपना नौकरी पकड़ करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको अपना परिवार का भरण पोषण भी करना है, तो इसीलिए वो मजबूरन ये काम कर रही है, बाकी इस काम से उनको लाभ नहीं हो रहा है। वो जो है पूरा दिन काम की वजह से, काम के बोझ की वजह से पूरा दिन जो है वो टेंशन में रहती है। कई बार कई आशा कार्यकर्ताएं जो है डिप्रेशन में चली जाती है, यानी उनको जो है अपने काम का जो बोझ दिया गया है उसको लेकर काफी परेशान रहती, पूरा दिन जो है वो तनाव में रहती है, लेकिन फिर भी अपना काम करती है और एक ही उम्मीद पर वो जो है लगातार टिकी रहती है कि कभी तो होगा हम लोगों का मानदेय। लेकिन होता वही है, समय निकलता जाता है, बहुत सारी आशा कार्यकर्ताएं धीरे धीरे रिटायर होती चली जाती है, यानी उनका उम्मीद ना उम्मीद में परिवर्तित हो जाता है, उनका आशा निराशा के रूप में बदल जाता है। लेकिन कोई फर्क नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार पर। बस यही कहना है आप कर्मचारियों को कि कुछ तो ऐसा करना होगा कि आप लोगों को आपका हक मिले, आप लोगों को कुछ ऐसा जो है करना होगा जिससे आपका आपका अधिकार मिले जो मिलना चाहिए, क्योंकि एक टीचर से भी आप दोगुना काम करते हैं। आप लोगों के काम का कोई ठिकाना नहीं, वो 12 बजे रात भी हो सकता है, 1 बजे रात भी हो सकता है, 12 बजे दिन भी हो सकता है, सुबह के 3 बजे भी हो सकता है, यानी कोई ठिकाना नहीं, 24 घंटों में कभी भी हो सकता है, रात दिन कोई फर्क नहीं, कभी भी कोई भी लाभार्थी आ सकता है और प्रसव करवाने के लिए किसी भी समय लेकर जा सकता है। लेकिन फिर भी जो है सरकार इस पर विचार विमर्श नहीं कर रही है, बहुत ही ये निंदनीय बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि सरकार आखिर क्यों अपना ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं कर रही है, क्योंकि बिहार में सिर्फ और सिर्फ 94,000 आशा कार्यकर्ता है, बिहार से ज्यादा आशा कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तमाम राज्यों में आशा कार्यकर्ताएं हैं, यानी इतनी बड़ी संख्या के कर्मचारी उनको नहीं दिखती, जिनका कनेक्शन गांव-गांव से, हर एक गांव में उनका कनेक्शन है, हर एक गांव के लोगों को भली भांति जानता है कि इस घर में कितने लोग हैं, ये भी उनको जो है पता होता है, किस घर में 0 से 5 साल के बच्चे कितने हैं, ये भी उनको पता होता है, यानी अपने क्षेत्र में इतनी तन्मयता के साथ वो काम करती है कि हर एक क्षेत्र के हर एक व्यक्ति का नाम वो जान लेती है, जबकि दूसरों को पता नहीं होता। लेकिन फिर भी सरकार इस पर विचार विमर्श नहीं करती है।
मेरा तो यही मानना है कि उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मजबूरी है, उनको परिवार का भरण पोषण करना है, और दूसरा ये कि उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में कभी जो है हम लोगों का मानदेय अच्छा होगा, अच्छा खासा सरकार हम लोगों का मानदेय करेगा। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है कि आखिर क्यों वो इतना कम पारिश्रमिक होने के बाद भी काम कर रही है, इतना बोझ जो है वो ढो रही है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।